दोस्तों आज हम जानेंगे 12th कॉमर्स और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट के टॉप 5 बेस्ट फ्री कोर्सेज जो आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड कोर्सेरा जैसी प्लेटफॉर्म से ऑफर की जा रही हैं। ये कोर्सेज आपको कॉमर्स फील्ड में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, कॉर्पोरेट फील्ड फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज और इंपॉर्टेंट जॉब स्किल्स प्रोवाइड करेंगी जो 2023 में नौकरी पाने के लिए हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को सीखना चाहिए। ये सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिगनर टू एडवांस लेवल के हैं एंड इनके साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। इन कोर्सेज को कैसे सीखना है, सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कॉमर्स स्टूडेंट को आज के कम्पेटिटिव जॉब मार्केट में टिके रहने के लिए अपने बेसिक बीकॉम डिग्री या 12th पास सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी सीखना पड़ेगा। कॉमर्स एक डायनामिक फील्ड है जिसमें हर वक्त बदलाव आते रहते हैं और ये जरूरी है कि आप लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेटेड रहें। स्कूल आपको सिर्फ 10% सिखाता है और कॉलेज में भी बुक्स रट्टा मारने के अलावा कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा। बाकी 90% प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपोजर आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। यही आज की हार्श रियलिटी है। तो चलो आज बिना एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किए हुए एक बिगेस्ट रीजन बता दूं कि क्यों एक्स्ट्रा स्किल्स आपको अभी से सीखना चाहिए, और वो रीजन है ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप अपनी 12 से 15 साल की पढ़ाई के बाद पाया हुआ जॉब किसी AI के हाथों चले जाता हुआ नहीं देख सकते, तो एडिशनल स्किल्स सीख के अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। मेक श्योर आपके पास ऐसी स्किल्स हो जिसे कि मशीन्स आसानी से रिप्लेस ना कर सके। तो देखो, कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आता है MS Office, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आना चाहिए। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको टैली, SAP और क्विक बुक जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज करना आना चाहिए। और लास्टली कम्युनिकेशन स्किल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट जैसे कई इम्पोर्टेंट स्किल्स। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये सब कैसे और कहां सीखें, खासकर जब बजट टाइट हो। तो दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ इंटरनेट के 5 बेस्ट फ्री कोर्सेज। पहले नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल। सबसे पहले हमारे पास गूगल का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। आज के डिजिटल एरा में कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जो डिजिटल मार्केटिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टीज रखते हो, और ये कोर्स एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को कवर करता है और आपको डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग चैनल्स और स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाता है। इसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और बहुत कुछ सीखेंगे। कोर्स खत्म होने तक आप डिजिटल मार्केटिंग पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हुए जाओगे। लिंक्डइन पे मैंने बहुत से एक्सपर्ट्स का प्रोफाइल चेक किया और उन सभी ने ये कोर्स कर रखा था। फेमस मिलियनेयर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए आपको नए ट्रेंड से आगे रहना होगा, इसलिए इस कोर्स में एनरोल करना एक स्मार्ट मूव है क्योंकि आप आज के लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहेंगे। इस फ्री कोर्स में एनरोल करने के लिए बस गूगल में डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल सर्च करो और पहले लिंक पे क्लिक करो। आप कोर्स पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप कोर्स को फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेल्फ पेस्ड कोर्स है और कोर्स खत्म होने के बाद ही आप सर्टिफिकेट को वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो फेमस मिलियनेयर इलॉन मस्क से सीखो। इलॉन मस्क का कार कंपनी टेस्ला अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को काफी इफेक्टिवली यूज करता है। वो मेनली ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपने नए प्रोडक्ट्स, अपडेट्स और कस्टमर रिव्यूज शेयर करने के लिए करते हैं। ये एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर पे आता है डेटा एनालिसिस कोर्सेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स फाइनेंस, अकाउंटिंग या बिजनेस में करियर बनाना चाहता है, उनके लिए डेटा एनालिटिक्स एक जरूरी स्किल है और आने वाले कई सालों के लिए डेटा एनालिसिस की जॉब हाई डिमांड पे रहने वाला है। एंड द गुड न्यूज इज माइक्रोसॉफ्ट आपको डेटा एनालिसिस सीखने के लिए 2 फ्री कोर्सेज लेके आया है। पहला है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल और दूसरा है एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा यूजिंग एक्सेल। ये दोनों ही कोर्सेज सेल्फ पेस्ड हैं जिससे आप कभी भी कहीं भी अपने स्पीड के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल, इसमें आप एक्सेल यूज करके डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना सीखोगे। ये कोर्स डेटा एनालिसिस फंडामेंटल्स, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा डैशबोर्ड्स रिलेटेड मॉड्यूल से भरा हुआ है। इस कोर्स को कंप्लीट करने से आप एक्सेल का इस्तेमाल करके डेटा को मैनेज और एनालाइज करना सीख सकते हैं और ट्रेंड्स और इनसाइट्स का पता लगा सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे फ्री कोर्स एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा यूजिंग एक्सेल को देख लेते हैं। ये कोर्स भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको एडवांस्ड एक्सेल टेक्निक्स के हेल्प से डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करना सिखाते हैं। आप डेटा मॉडल्स क्रिएट करना, पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करना और चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट करना भी सीखोगे, जो आपको डेटा इनसाइट्स को इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। इन दोनों कोर्सेज में एनरोल होने के लिए बस माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाओ, कोर्स नेम लिख के सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये EDX प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है,
कभी कभी आर्काइव कर देते हैं, बट जब कोर्स लाइव होगा आपको दिख जाएगा। फिर एनरोल बटन पर क्लिक करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब थर्ड नंबर पे आता है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय कोर्सेरा। इस कोर्स में हर एक कॉमर्स स्टूडेंट सीखेगा कि मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और 4 P's को कैसे यूज करें, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को समझने का एक बेस्ट ऑप्शन है ये कोर्स। रियल लाइफ में टॉप बिजनेस टाइकून्स भी ये बिलीव करते हैं कि किसी भी बिजनेस को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। बिलियनर बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन के मुताबिक मार्केटिंग इज एवरीथिंग इन अ कंपनी। तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो मार्केटिंग में मजबूत फाउंडेशन होना जरूरी है। फ्री में एनरोल करने के लिए बस गूगल पर सर्च करो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय कोर्सेरा और पहला लिंक क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। अगर कोर्सेरा पे पहले से अकाउंट नहीं है तो साइन विद गूगल पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना। फिर इस कोर्स पे जाके एनरोल फॉर फ्री, देन ऑडिट बटन पर क्लिक करो। अब आपको सारे कोर्स मटेरियल्स के एक्सेस होंगे और आप कोर्स को अपने पेस पर पूरा कर सकते हैं। याद रखो कि कोर्स को फ्री में ऑडिट करने का मतलब है कि पूरे कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ग्रेडेड असाइनमेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर फीडबैक जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। बट कोई बात नहीं, इतना वैल्यूएबल लर्निंग्स आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो एंड यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर इंटरव्यू और सेमिनार्स। आपको मार्केटिंग मिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए एप्पल का केस ले लेते हैं। एप्पल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और स्लीक डिजाइंस के लिए पॉपुलर है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सक्सेस उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से है? एप्पल अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाता है जो उन्हें ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर देती है। इस कोर्स से आप सीखोगे ऐसी इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे बनाई जाती हैं। अब फोर्थ नंबर पे आता है अकाउंटिंग 101 कोर्स बाय study.com। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये ऑनलाइन कोर्स study.com प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स की एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। इस कोर्स को आप अपनी खुद की स्पीड पर कंप्लीट कर सकते हैं और इसके क्रेडिट्स को दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस कोर्स में 13 आवर्स की एजुकेशनल वीडियोस, 138 सेल्फ पेस्ड लेसन, 14 प्रैक्टिस टेस्ट्स और 3 ट्रांसफरेबल क्रेडिट आवर्स इंक्लूडेड हैं। इस कोर्स से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसके अलावा आप अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एसेट्स के टाइप्स एंड अदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को भी समझ पाएंगे। इस कोर्स के लिए आपकी ग्रेडिंग 300 पॉइंट्स से की जाती है, रिटन एग्जाम से 100 और फाइनल एग्जाम से 200 पॉइंट्स। इसमें पास करने के लिए और एक्चुअल कॉलेज क्रेडिट अर्न करने के लिए कम से कम 200 पॉइंट्स या 70% ओवरऑल कोर्स ग्रेड चाहिए होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली study.com पे अकाउंट बना के वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर सकते हो फॉर फ्री। अब लिस्ट में आखिरी है नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बाय CFI। आपने कभी सोचा है कि कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे कैसे रेस करते हैं? अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको CFI के कॉर्पोरेट फाइनेंस कोर्स को चेक करना चाहिए। जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये कोर्स परफेक्ट है। इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि कंपनीज स्टॉक्स या बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल मार्केट से कैपिटल कैसे रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रिलायंस के फैन हैं और उनके ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिलायंस अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट से कैपिटल रेस करने का डिसाइड करता है। इस कोर्स से आप सीखेंगे कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इस कोर्स में मेजर बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स भी कवर किए गए हैं जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इंटरेस्टेड लोगों के लिए वैल्यूएबल हैं। आप सीखेंगे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और वर्थ कैसे इवैल्यूएट की जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस अमेजिंग कोर्स को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करने से उनका वेबसाइट ओपन होगा। फिर एनरोल फॉर फ्री ऑप्शन पर क्लिक करो और अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करो। इट्स दैट इजी। आप सारे कंटेंट फ्री में देख सकते हो। तो यही थे वो 5 नेसेसरी स्किल्स जो सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए सीखना चाहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखने का 5 हैक्स जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।